हाय एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे टैली ऑनलाइन क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जो कि सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर अकाउंटेंट के लिए जो विलिंग जॉब में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बिकॉज आज का जो मेरा टॉपिक है सेल्स इनवॉइस विद जीएसटी, टैली में हम बिल कैसे करें, टैली में हम सेल्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं, टैली में हम बिलिंग कैसे करते हैं, जीएसटी एंड नॉन जीएसटी बिलिंग हम किस प्रकार से करते हैं, कोई भी आइटम हम सेल कर रहे हैं तो उसकी बिलिंग हम कैसे करते हैं, आज मैं सारी चीजें इस क्लास में आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी आप बिलिंग जॉब में जाना चाहते हैं, चाहे जैसी कंपनी है, यदि उस कंपनी में टैली पर बिलिंग किया जाता है तो इस वीडियो को आप देख लेंगे, फिर बिलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं आपसे कि ऐसी इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इंपॉर्टेंट वीडियोस प्राप्त हो पाएं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और टैली में कंप्लीट बिलिंग हम कैसे करते हैं, सेल्स इनवॉइस हम कैसे क्रिएट करते हैं, कोई भी बिल हम कैसे प्रिंट करते हैं वो कंप्लीट करके हम देखते हैं। तो चलिए हाय एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख पा रहे हैं टैली के मेन मेनू गेटवे ऑफ टैली पर अवेलेबल है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज का जो मेरा टॉपिक है सेल्स इनवॉइस विद जीएसटी, कहने का मतलब जीएसटी के साथ हम टैली में बिलिंग कैसे करते हैं, आज मैं कंप्लीट बिलिंग आपको बताऊंगा। और इस क्लास को देखने से पहले हमारी पिछली वीडियो जो जीएसटी वाउचर्स पर है, सेल्स परचेज वाउचर पर है, उसको आप जरूर देख लेंगे जिससे आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी, फिर आपको बिलिंग मेथड समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम एक बिल आपको दिखाते हैं, इसी बिल पर हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और बिलिंग कैसे करते हैं वो दिखाते हैं आपको। आप देख पा रहे हैं टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है, केसीआई टेलीकॉम करके है कंपनी, बायर में कोई पार्टी भी हो सकती है और कैश इसमें लिखा हुआ है। मैं पार्टी पे करके दिखाऊंगा आप लोगों को। आप देख पा रहे हैं गुड्स डिस्क्रिप्शन में दो मोबाइल है, आप देख पा रहे हैं रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स 3 पीस क्वांटिटी में बेचा गया है, 19,000 के रेट से है, 57,000 अमाउंट हुआ है। और सैमसंग A30 है, 2 पीस बेचा गया है 21,000 के रेट से, 42,000 रुपये इसका अमाउंट हुआ, टोटल अमाउंट इसका हो गया 99,000। और जिस पर CGST 6% 5,940 रुपये और SGST 6% 5,940 रुपये। ये बिलिंग है आपका दो प्रोडक्ट। इस तरह से जितने भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उतना आप आइटम डिस्क्रिप्शन में, गुड्स डिस्क्रिप्शन में आप डालते जाएंगे। लास्ट टाइम में आप CGST और SGST दे देंगे अगर आपके विद इन स्टेट है, और अगर आउट ऑफ स्टेट है केवल सिंगल टैक्स IGST दिया जाएगा। आप यहां देखें टोटल में कुल 5 पीस है और यहां पर आप देख पा रहे हैं अमाउंट में 110,880 विद टैक्स को ऐड करके। इसमें आप यहां देखें वर्ड्स में लिखे हुए हैं टैक्स वैल्यू जो है कंप्लीट 99,000 रुपये है, सेंट्रल टैक्स रेट जो है आपका 6% जिसे हम CGST कहते हैं, SGST स्टेट टैक्स जो है वो 6% है। तो इस 99,000 पर 6% आपका सेंट्रल टैक्स 5,940 रुपये और 99,000 पर ही 6% आपका स्टेट टैक्स 5,940 रुपये। टोटल अमाउंट हो गया आपका 11,880 रुपये, जो आपका CGST और SGST का टोटल अमाउंट 11,800। तो आप देखें 99,000 आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू है और उस पर 11,880 रुपये जुड़ गया, तो कुल मिला करके 110,880 रुपये। तो ये बिल आपने देखा, इसी बिल के अकॉर्डिंग हम आपको बिलिंग कैसे करते हैं, ये बिल बनता कैसे है, उसको हम वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं, आइटम की सेलिंग करते हैं तो उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं आपको मैं कंप्लीटली बताऊंगा। अब चले जाते हैं टैली पर बैक करके। आप देखें मैंने KCI टेलीकॉम नाम की एक कंपनी बना रखी है उसी बिल को बताने के लिए, कंपनी क्रिएशन आप लोगों को आता ही है, इसमें हमने आइटम वगैरह बना रखा है। तो हम डायरेक्टली बिलिंग करने चलते हैं। बिलिंग करने का मतलब हमें माल बेचना है, तो हम सेल्स वाउचर पे जाएंगे डायरेक्टली, हम यहाँ से एफिलिएट करेंगे और सेल्स वाउचर पे हम पहुँच जाएंगे। यहाँ बिल रेफरेंस मैंने एक पार्टी बना रखी है रजत इन्फोटेक करके, जिसे मैं माल सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ हमने RJ-001 कर लिया, एंटर किया, यहाँ पार्टी का हम चुनाव करेंगे रजत इन्फोटेक। तो एक बार हम आपको अल्टर करके दिखा देते हैं पार्टी को, पार्टी बनाते कैसे हैं, जबकि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ।
मैं अल्टर करके आ जाते हैं, आप देख पा रहे हैं रजत इन्फोटेक है, अंडर में सेंड्री डेटर है, यस करेंगे। यहाँ पर मेलिंग डिटेल्स में हम सेट करते हैं, उसका एड्रेस डालते हैं, कंट्री नेम देते हैं, स्टेट अगर हमें विद इन स्टेट करना है तो स्टेट नेम, पिन कोड, मोबाइल नंबर वगैरह अगर अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है, कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं आ रहा है, तो हम F12 पर प्रेस करके डायरेक्टली F12 प्रेस करके हम कॉन्टेक्ट डिटेल प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल पर हम यहाँ से यस कर लें और कॉन्टेक्ट डिटेल को दे सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एंटर करते हुए हम यहाँ आ जाएंगे, एक्सेप्ट करते हुए इस तरह से हम पार्टी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पार्टी हो गई हमारी, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर लेजर देते हैं सेल्स नेम ऑफ आइटम में हमें दो आइटम हमारे पास है, जैसा कि मैंने उसमें बिल में आप लोगों को दिखाया है। एक बार मैं आपको बिल फिर से दिखा दूं जिससे आपको बातें समझ में आ जाए आसानी से। आप देख पा रहे हैं दो आइटम है, एक रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स है 3 पीस और एक सैमसंग A30 है 2 पीस, 19,000 और 21,000 के रेट से है। तो हम यहाँ वही अमाउंट यहाँ देते हैं, हमने यहाँ चुना रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, क्वांटिटी है 3 पीस, रेट है 19,000 रुपये, एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर दूसरा हम यहाँ से लेजर, इस तरह किसी भी कंपनी में यदि आप जॉब कर रहे हो, कोई भी माल सेल हो रहा है तो आपके पास उसका लेजर लिस्ट होगा, वहाँ से आपको आइटम को चुनना है और एंटर करना है, उसका आपको क्वांटिटी यहाँ पर प्रेषित करना है, इसके बाद उसका रेट अमाउंट देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ रेट दे दिया, एंटर करते हैं। अगर कोई और आइटम है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अन्यथा आप एंटर करके नीचे आ जाइए और यहाँ पर आप CGST देंगे, CGST ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर जाएगा CGST। इसी तरीके से SGST हम यहाँ पर देते हैं, SGST डिटेक्ट कर गया, एंटर करते हुए आते हैं। अगर हमें ई विल करना है तो हम यहाँ पर बिलिंग का पूरा डिटेल, विल फॉर्म कहाँ से किया जा रहा है, उसका GST जिस कंपनी से माल सेल हो रहा है अपनी कंपनी का पूरा डिटेल आ जाएगा, और ई विल है तो उसके लिए हम इसको देंगे, अन्यथा हम इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। और आप देख पाएंगे यहाँ पर आपका क्वांटिटी और अमाउंट, टोटल अमाउंट शो कर रहा है, एंटर करेंगे और यहाँ पर अगर अमाउंट तुरंत हमें प्राप्त हो रहा है तो हम उसका एक पे रिसिप्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पर हम उसका वही जो बिल वाइज डिटेल हम इसको प्रेषित कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ से जा करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हमने माल को सेल कैसे किया, माल की सेल्स इनवाइस हमने कैसे क्रिएट की। अगर इस इनवाइस को हमें प्रिंट करना है तो यहीं पर हम पेजअप करके आ गए, डायरेक्टली लास्ट वाउचर पे अगर हमें जाना है तो हम पेजअप करके आ जाते हैं। फिर हम यहाँ अल्ट प्लस पी करते हैं और हमारे पास आपका यहीं पर हम अल्ट आई करेंगे जिससे प्रीव्यू मिल जाए, एंटर करते हैं, बिल प्रिंट होकर के आ गया। आप देखें कंप्लीट वही इनवाइस आपके सामने आ चुकी है, रजत इन्फोटेक है आपका बायर। आप देखें यहाँ पर आपका सीरियल नंबर शो कर रहा है, माल आपके गुड्स डिस्क्रिप्शन में रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स एंड सैमसंग A13 3, कंप्लीट वही इनवाइस जैसे हुबहू बन के आ गया जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया हुआ था। तो इस तरीके से हम नॉर्मली बिलिंग कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में है कोई भी बिलिंग का वर्क है तो आप जितने भी आइटम है उसके आइटम का रेट और क्वांटिटी के हिसाब से उसकी बिलिंग कर सकते हैं। और बिल को प्रिंट करने के लिए आप डायरेक्टली आप अल्ट प्लस पी करके बिल को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम बिलिंग कैसे करते हैं। अगर हमें विदाउट GST बिलिंग करना है तो हम सेल्स में ही हैं, हम कैश बिलिंग करना चाहते हैं, हमने कुछ भी यहाँ पर रेफरेंस नंबर दे दिया, हमने यहाँ कैश चुनाव करा और एंटर करते हुए हम आ गए, हम कैश बिलिंग भी आपको बता दे रहे हैं। सेल्स में चले गए, हमने प्रोडक्ट यहाँ से चुन लिया, Redmi Note 9 Pro हमने ले लिया 2 पीस है, इसमें हमने रेट दे दिया 15,000 रुपये, एंटर किया। सैमसंग हमारे पास M31 है, इसको हमने ले लिया, इसे भी मैंने 2 पीस सेल किया यहाँ से, इसका रेट हमने दे दिया 17,000 रुपये, एंटर किया। अगर हमें GST देना है तो फिर एंटर करके यहाँ GST को देंगे, अन्यथा विदाउट GST अगर हमें प्रिंट करना है या विदाउट GST हमें बिल प्रिंट करना है तो हम यहाँ से एंटर करके ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ से हम पेजअप करके और यहाँ पर अल्ट पी करके हम बिल को यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। और आप देख पाएंगे
जूम करके कंप्लीट बिल आ गया आपके सामने, बस यहाँ पर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं दिखाया। अगर यही आपको अदर स्टेट में सेलिंग करना होता तो यहाँ पर हम आईजीएसटी लगा करके कर लेते। तो ये आपका नॉन जीएसटी बिलिंग, और जो अभी मैंने बताया से पहले वो आपका जीएसटी बिलिंग हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेल्स इनवाइस कैसे हम क्रिएट करते हैं, बिल हम कैसे बनाते हैं, ये आसानी से आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।